पहुंच गए हैं गाइस अयोध्या। देख रहे हैं गाइस अयोध्या की गली में चल रहा हूँ मैं, गलियों में सुबह आया था। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए मंदिर की यहाँ से स्टार्ट हो गया है, टूटा डला हुआ है। ये देखिए गाइस हम लोग दशरथ भवन के बाहर आ चुके हैं। ये है एंट्री गेट। तो काफी भीड़ है यार यहाँ पे। अंदर वाला गेट खुले हैं, भीड़ तो काफी थी दोस्तों यहाँ पर। तो हम लोग क्या गए फिर हमने एंटर करते हैं और ये दशरथ भवन था। टाइमिंग थोड़ा सा मैं जल्दी चला गया था क्योंकि उसका गेट बंद था, तो मैंने देखा यार यहाँ पर भीड़ लगी है काफ़ी। यहाँ क्या हो रहा है, भीड़ किस चीज़ की? तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो वो आंटी भी अपना देख रही थी कि हमारा क्या चलता है। तो उसमें पिंजरा बना हुआ था, उसमें तीन चार चिड़िया थी उसके अंदर, और पंडित जी कोई भी उठाते थे अपना पत्र तो वो चिड़िया निकालती थी। अगर नहीं है वो पत्र सही नहीं है तो चिड़िया नहीं उठाती थी। तो ऐसे ही सब लोग ट्राई कर रहे थे अपना, देख रहे थे कि हमारा हाथ की रेखाएँ कैसी हैं, क्या है नाम कुछ, तो वो चिड़िया उठाती थी। देखिए अभी चिड़िया पकड़ के निकालेगी आप लोग वो चीज़, अगर ये उसी नाम से अगर आप लोगों का हुआ। देखिए उसने निकाला और पंडित जी ने हमारे जो बैठे थे अपना भविष्य देखा। अब चलते हैं आगे की तरफ देखने जाते। अंदर सोच रहा था कि जाऊंगा कि क्या है, पर वहां पर बंद था, तो फिर सोचा चलो आगे थोड़ा सा देखाऊं कि कैसा हमारा अयोध्या की गलियां हैं, कैसे क्या है सब चीज़। तो मैं निकल गया हनुमानगढ़ी की तरफ। जो हनुमानगढ़ी मंदिर है ये हमारा काफ़ी ऊँचाई पर थोड़ा सा मंदिर है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं हम लोगों को। तो मैंने दो फूल की माला ली और मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, और काफ़ी कांवड़िया थे जो साथ साथ चल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था मंदिर देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने धीरे धीरे चढ़ रहा था ऊपर पहुँचा, तो देखा कि काफ़ी ऊँची सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो मंदिर भी काफ़ी ऊँचाई पर है, थोड़े से दूर है राम मंदिर से और दशरथ भवन के बीच। दशरथ भवन बीच में पड़ेगा, फिर राम मंदिर, फिर राम मंदिर के बाद हमारा ये हनुमानगढ़ी पड़ेगा। मंदिर पूरे दिन ओपन रहता है, पूरे दिन खुला रहता है, दर्शन आपको आराम से मिलते हैं। भीड़ का कोई नहीं, देखिए ये मंदिर का पूरा गेट बना हुआ है, यहाँ से मैं चढ़ा था और यहाँ से आप लोगों को परिक्रमा करके, और ये पीछे वाला गेट आगे बना हुआ है वहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो ये पूरा मंदिर बना हुआ था हमारा, मंदिर का मैंने परिक्रमा किया और मैंने काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में इन सब लोग को। फिर मैं निकल गया गलियों की तरफ, आगे की तरफ देख के आता हूँ कैसा। इतनी सारी मिठाइयाँ की दुकान थी, धीरे धीरे वहाँ पर लड्डू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान पर भीड़ थी, सभी की सभी दुकानों पर कांवड़िया खड़े थे और बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दोबारा से रिटर्न आ गया, थक गया था काफ़ी, तो मैंने सोचा निकला था टाइम हो चुकी है हमारी 5 बजे आ गया, लेकिन हमें चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना है। आज का डे सेकंड है, तो आज मैंने राम जन्मभूमि देखी है और दूसरा था जो हनुमानगढ़ी मंदिर था वहाँ पर देखा है,
तीसरे नंबर पे जो कि है दशरथ महल, क्योंकि बाहर बैठा था आज मैं दशरथ महल घूमूंगा और शायद सरयू नदी है हमारी वहाँ पर हम लोग जो गंगा आरती होती है वहाँ की वो दिखाऊंगा आप लोगों को गाइस। आई होप वीडियो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। चलिए चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ पूरा दशरथ महल कैसा बना हुआ है। और राम जन्मभूमि के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी कि मुझे फ़ोन नहीं अलाउ किया गया। मैंने काफ़ी कोशिश की कि परमिशन भी लेनी चाहिए कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पर वहाँ पर मुझे फ़ोन क्या वॉच भी अलाउ नहीं थी वहाँ पर तो वहाँ पर फ़ोन भी अलाउ नहीं था, तो मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं कर पाया। पड़ेगा तो मैं जहाँ पर एक आश्रम था जो मेरे मतलब पेरेंट्स का यहाँ पर गया था, तो मैं दिखाऊँ मैं आप लोगों को वहाँ पर कैसा हुआ। तो सबको ठीक है, आया हूँ थोड़ा सा ट्रिप करने अयोध्या की, काफ़ी अच्छी ट्रिप जाने वाली है। कल भी हम लोग घूमेंगे, काफ़ी जगह जाऊंगा, आज भी गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है अयोध्या, आप लोग आ सकते हैं गाइस। पर अभी मंदिर बना नहीं है, तो जब तक मंदिर नहीं बने तभी मत आइएगा, जब मंदिर बन जाएगा तब आइएगा आप लोग गाइस। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, मैं कनक भवन पहुंच चुका हूं। ये देखिए सीढ़ी चढ़ रहा हूं स्टेयर्स पे, ये देखिए एंट्रेंस गेट है। ये देखिए मेन भगवान जी का मंदिर है, अंदर एंटर करने को जगह मिलेगा। आते हैं एंट्रेंस मंदिर के गेट की तरफ अंदर, शायद वीडियो के लिए मना तो नहीं किया जा रहा। यहाँ पे देखिए पूरा कितना मस्त कैलीग्राफी यूज़ की गई है। काफ़ी बड़ा भवन है ये कनक भवन, यहाँ पर सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं अब शाम को पहुंचा हूं। सरयू नदी है जो कि उन्होंने क्या किया पता है, सरयू नदी से ये जो नहर बनी हुई है ये नहर निकाल के उन्होंने आर्टिफिशियल वहां से बनाया है। ये घाट भी इन्होंने बनाए हैं, जितने भी हैं, जितने भी 10 से 15 घाट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इन्होंने जितने भी ये घाट बनाए हैं सब वहाँ से नदी का पानी है उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तो ये नदी हमारी निकल कर आई है यहाँ से, देखिए सब लोग नहा रहे हैं, पानी बहुत ही बस हमारे पैरों के तक ही पानी है, तो आराम से यहाँ पर लोग भी नहा सकते हैं। देखिए हमारे कांवड़िया है वहाँ से जल भर कर ला रहे हैं, और यहाँ पीछे जस्ट हमारे नागेश्वर मंदिर था वहाँ पर सब लोग जाके अपना जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल सोमवार है आज संडे है, जैसे कि आज का दिन था तो संडे है। तो ये देखिए सब कांवड़िया वहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हमारी सरयू नदी है। और मैं लेट पहुंचा, आरती हो चुकी थी, तो आरती ख़त्म हो गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से हम लोगों को जो पीछे के रास्ते से हम लोग आगे निकल आए थे, मेरी फैमिली जो मेरी सब लोग थे, मेरे पापा मम्मी दीदी
सब लोग थे, हम लोग आगे निकल आए, तो हम लोग को दोबारा से फिर से पीछे से जाना पड़ा। तो उसी वजह से आरती का टाइमिंग था 7 o'clock, शाम को 7 बजे आरती होती है। हम लोग पहुँचे 7:25 पे, तो 7:25 पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं मिला। ये देखिए सब खाली गला हुआ है, कांवड़िया नहा रहे हैं, जल भर रहे हैं अपना और जल भर के निकल रहे हैं। ये देखिए जो मेन चौराहा है, यहाँ पे हाईवे निकला हुआ है और यहाँ से ही कांवड़िया को, ये देखिए पुलिस पूरा लगा हुआ है, कांवड़िया यहाँ से अंदर नहीं जा रहे थे तो यहाँ पर ही रोक दे रहे थे। तो मतलब सिर्फ आप लोगों को गवर्नमेंट की गाड़ियाँ दिखेंगी यहाँ पर और टू व्हीलर्स दिखेंगी बस, और वहाँ पर पूरा डीजे लगा हुआ था। ये देखिए आश्रम है जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, मेरे पापा के जो महाराज जी हैं वो यहीं पर आते हैं, मेरे पापा हर बार यहाँ पर जब भी कुछ भी फंक्शन होता है तो महाराज जी यहीं पर आते हैं। तो यहाँ पर जो रंग महल का आश्रम जस्ट बिल्कुल मंदिर के जस्ट बगल में आश्रम बना हुआ है, वहीं पर हम लोग रुके हुए थे और बहुत ही अच्छा आश्रम है हमारा ये। सुबह अब ये हमारा डे टू की शुरुआत हुई, सुबह में उठा, काफ़ी रात में थक गए थे हम लोग, 12-1 बज गया था। उसके बाद हम लोगों ने सुबह उठे तो हम लोगों ने सोचा चलिए सरयू में जाके नहा थोड़ा सा स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद हम लोग नागेश्वर धाम के हम लोग दर्शन करेंगे। पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोग भीड़ देखते गए, तो हम लोगों का प्लान चेंज हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले स्नान करते फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से बैरिकेडिंग लगा हुआ था, ये देखिए मेरा भांजा पापा और भांजी कुछ खा रहे हैं, उनको भूख लगाई थी। तो फिर हम लोग जैसे ही नदी के पास पहुँचे तो देखा हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नदी चढ़ी हुई थी ऊपर तक, और सब लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे। वीडियो नहीं बना पाया मैं क्योंकि मैं फ़ोन रख दिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब चेकिंग वेकिंग हो रही थी, मतलब सब लोग बोल रहे थे कि अपनी अपना सामान खुद देखें, ये सब चीज़ें करें। तो मेरे मतलब मेरी भांजी और मेरा भांजा मम्मी के साथ स्नान कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं, सब लोग स्नान कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा देखने में, सुबह सुबह पानी बहुत ही ज़्यादा नदी चढ़ी हुई थी हमारी, ये अच्छा लगा देखने में। सुबह काफ़ी टाइम बाद एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखने में कि मम्मी के साथ दोनों उनके नाती नातिन साथ में नहा रहे हैं, और दीदी खड़ी हुई है वीडियो बना रही है वहाँ पर, दीदी मम्मी की और मेरी जो भांजी है, मेरा भांजा है, उसकी वीडियो बना रही है मम्मी के साथ में, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही है आगे के लिए। ये देखिए अंकल ना कर आ गए हैं, पता दूसरा दिन तो अभी मैं नहा कर आया हूँ, और देखिए माथे पर चंदन लगा हुआ है सरयू नदी से। तो दूसरा दिन है आज, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी टाइम नहीं मिला, कुछ ही क्लिप्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी नहा कर आया हूँ, चंदन दिख रहा होगा आप लोग को। तो हम लोग स्नान करने के बाद फिर हमारे पापा बोलने लगे कि एक छोटी छावनी करके अयोध्या में काफ़ी जगह है, वहाँ पर बहुत ही सारे मतलब बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और आश्रम है। तो पापा बोलने लगे चलो सब लोग चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, वहाँ से पैदल ही गए हम लोग, थोड़ी सी गलियों में चलते चलते, और हम लोग ये जो काफ़ी जो अयोध्या सबसे बड़े नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनके आश्रम में हम लोग पहुँचे। उनका मंदिर ही बना हुआ है, आप लोग को ये दिख रहे होंगे साइड में ये बंधे हुए क्या रखें। तो यहाँ पर राम बैंक है, राम बैंक मतलब कि आप लोग यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए बैंक में, और आप जितने भी राम राम आप सब लोग जो लिखते हैं आप लोगों ने देखा होगा वो यहाँ पर आके सब लोग अपना जमा कर जाते हैं। तो किसी की बोरी भर कर रखा हुआ है, किसी ने राम राम लिखा हुआ है, कोई अयोध्या से लिखा हुआ, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कर्नाटका तमिलनाडु, काफ़ी दूर दूर के लोगों को देखा मैंने कि वहाँ पर रखे हुए थे। तो ये देखिए मैंने सबसे अच्छी बात, काफ़ी जो पुरानी चाइल्ड मेमोरी जो होती थी हम लोगों का, जो स्टीमर चलती थी हम लोग इसमें कपूर रख के चलाते थे, तो वो हमको दिखी काफ़ी टाइम बाद। और फिर मैं आगे की तरफ पढ़ा तो देखा कि काफ़ी फ्लैग लगे हुए थे।